नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, क्योंकि अब दिवाली में बहुत कम समय रह गया है। ये वीडियो डाइनिंग एरिया पे है, जिसमें मैं आपको डाइनिंग एरिया का टूर भी कराऊंगी, प्लस किस तरह से मैंने इसको फेस्टिव लुक दिया है, सिंपल वे में दिया है। चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पेंटिंग से स्टार्ट करना चाहूँगी। पेंटिंग ये मेरी डाइनिंग एरिया में लगी है, जिसका टॉपिक है जीवन। जैसे कि उन्होंने बताया, मैं टेक्सचर पेंटिंग करती हूँ, ये भी वही है। तो ये मेरा डाइनिंग एरिया का टूर है, जिसमें मेरी पेंटिंग और ये सामने शेल्फ लगी है, इसमें बॉटल्स हैं, वो भी मैंने पेंट की है। माइक्रोवेव है, छोटा सा क्रॉकरी कैबिनेट है, साइड में फैमिली वॉल है। बस यहाँ पे मैंने कोई वॉल मेकओवर नहीं किया है, वाइट ही रखा है, क्योंकि वाइट अपने आप में ही एक अच्छा कलर होता है। इसमें जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वो अच्छे से हाईलाइट कर रही हैं। मैंने यहाँ पे जो फैमिली वॉल बनाई है, इसमें फोटो फ्रेम्स मैंने ब्लैक ही रखे हैं, तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन क्लासिकल लगता ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सोच के फ्रेम्स ब्लैक ही रखे हैं। तो चलिए, बस इसको फेस्टिव लुक देना है। ये शेल्फ मैंने एक्चुअली अपने एक पुराना कैबिनेट था, खराब हो गया था, तो कारपेंटर को बुलवा के मैंने ये शेल्फ बनवाई है। जैसे आपको बताया, ये वॉल DIY है, तो इसमें कोई लाइट नहीं है, तो इसलिए मैंने अमेजोन से बस मैंने ये लाइट मंगवाई है, और ये बैटरी ऑपरेटेड है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फर्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर रही हूँ, क्या इसका रिज़ल्ट रहेगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट मुझे ज़रूरत थी कि मेरी चीज़ें जहाँ वहाँ पे जो रखी हैं वो हाईलाइट करें, तो इसलिए मैं ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, ये लाइट है, और ये यहाँ पे इसको ऐसे छुड़ा के और बस इसमें स्टिक करना है। ये दो लगाई हुई है, और मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए हो गया ना चेंज। छोटी सी चेंजेस की मैंने, और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। मैं लाइट ऑफ करके भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, कोई ड्रिलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस बैटरी ऑपरेटेड लगाई और चेंज हो गया। चेयर्स पे ये कवर्स मैंने यूज़ किए हैं, जो कि मैंने ये अमेजोन से परचेज किए हैं। चलिए अब फेस्टिव लुक देते हैं। यहाँ पे ये रनर यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए अपने आप में कितना ब्राइट और फेस्टिव लुक दे रहा है। इसकी जगह आप एक बनारसी दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल मैट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं। ये यहाँ पे ये ग्लासेस मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए कैंडल होल्डर। ये ग्लासेस मैंने लोकल शॉप से 8 रुपये पर पीस लिया था, और ये जैम की छोटी शीशी, ये ब्रास का ये फ्लावर बास्केट, ये भी लोकल शॉप से मैंने परचेज किया था। इसको मैं सेंटर पीस रखूँगी। चलिए अब प्लेट्स लगाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं ये बैंगल्स यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी डॉटर के हैं, जो कि छोटे हो गए हैं, और देखिए कितने सुंदर हैं। इसको मैं नैपकिन होल्डर की तरह यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे नैपकिन है, तो नैपकिन को हमें ऐसे फोल्ड करना है जैसे हम लोग बचपन में फ़ैन बनाते थे ना पेपर का, वैसे हमें फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करते जाना है, और इसको बैंगल के अंदर डाल के इसको प्लेट पर रख के जैसे फ़ैन बनाते हैं ना, उस तरह से फैला देना है आगे से, और ये फॉक और स्पून इसमें लगा देना है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब ग्लासेस रखते हैं।
यहाँ पे डिनर सर्व के लिए मैं ये हांडीज यूज़ कर रही हूँ। चलिए फ्लावर ऐड करते हैं, फेस्टिवल में तो फ्लावर तो कंपलसरी है। तो देखिए मैंने ये ब्रास के लोटे में ये फ्लावर लगाए हुए हैं। ये ब्रास के जो ये लोटे हैं ये मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किए हैं 150 रुपये पर पीस। ये एक्चुअली पुराने हैं और ये डील मेरे लिए बहुत अच्छी रही। अगर आप यही नया ख़रीदते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, पर मैंने पुराने ही ख़रीदना पसंद किया क्योंकि मुझे डेकोरो के लिए चाहिए था और ये डील मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही। यहाँ पे ये कैंडल होल्डर जिसमें बुद्धा का फेस है ये भी गोल्डन है। तो फेस्टिवल में गोल्ड और टच तो बहुत ही यूनिक और अच्छा लगता है, अपने आप में ही फेस्टिवल लुक देता है। यहाँ पे कुछ ये फ्लावर, ये मैं लाइट कलर के वाइट फ्लावर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डार्क के साथ लाइट कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और उससे चीज़ें और हाईलाइट होती हैं। तो मैं इस तरह से ये फ्लावर लगाऊंगी। और फ्लावर्स ऐड करते हैं, फ्लावर्स तो जितने भी ऐड करो उतने कम है, वो अपने आप में ही एक फेस्टिवल लुक है। तो मैं और ख़ास तौर से मैरीगोल्ड, तो उसकी खुशबू और उसका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा और फेस्टिवल लुक देने के लिए यहाँ पे कुछ और लाइट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेबल मैट्स जैसे डार्क है तो इस पर वाइट फ्लावर कितने अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरा फेस्टिवल लुक रेडी है डाइनिंग एरिया का। यहाँ पे ये मैं ऑयल डिफ्यूज़र यूज़ कर रही हूँ। मैं जनरली हर रूम में ऑयल डिफ्यूज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि एक फ्रेशनेस तो ऐड करता ही, साथ में एक सूदीनेस भी रहती है। और ये देखिए लाइट भी है और प्लस फ्रेशनेस भी। और ये देखिए ये आपने देखा होगा वीडियो लग रहा। तो देखिए यहाँ पे ये स्पेस खाली सा लग रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, मेरे फेवरेट प्लांट्स। तो देखिए ये प्लांट्स को मैंने ऐड कर दिया है। तो अब देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत भी लग रहा है वो जगह। और यहाँ पे भी मैं ये प्लांट्स ऐड करूँगी। विदाउट प्लांट्स तो मेरे घर का डेकोरेशन तो इनकम्प्लीट है। चलिए अब कैंडल्स जलाते हैं और अपने डाइनिंग एरिया को रोशन करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या लुक होता है। चलिए अब देखते हैं फाइनल लुक। ये देखिए मेरी डाइनिंग एरिया रेडी है दिवाली फेस्टिवल के लिए। सिंपल वे में रेडी किया है, देखिए स्पेस भी है, आराम से बैठ के खाना भी खा सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप भी अपने डाइनिंग एरिया को और अपने घर को खूबसूरत तरीके से सजाइए कि दिवाली आ रही है।
तो ये देखिए फुल व्यू, जिसमें मेरे प्लांट्स भी हैं, और देखिए प्लांट्स के साथ कितना अच्छा लुक लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स के लिए प्लीज़ बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो न्यू वीडियो डालूँ तो उसके बारे में आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।